अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ये मैं क्या खोल रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। वो तुम्हें पंखा तो चालू करो, गर्म हो रहा है। हाँ तो मैंने पंखा चालू कर दिया। अभी हम लोग हॉल में थे। शांति बाड़े, शांति बाड़े, शांति। तो बात करने देना। तो अभी ना उसमें सो के उठी है और सो के उठ के आधा घंटा हो गया है। अभी बहुत उसको मस्ती आ रही है और बस अभी उसको मैंने नाश्ता करा दिया, लेकिन उसने पेट भर के नाश्ता नहीं किया। तो उसकी फेवरेट चीज मैं उसको दे रही हूँ। उसमें क्या दे रही हूँ मैं तुमको? क्या ये पानीपुरी? क्या ये क्या है? देख तो सही, मैं खा लूंगी। थैंक यू सो मच, वेलकम। मैं खा लूंगी। तुमको नहीं चाहिए? देख लो, आज नाटक कर दिए खाने के लिए। बात नहीं आ रही, पागल कौन बोलता है ये सब करने के लिए? बात सुनो ना, ये करो वो करो। ताजी पापड़ी अब्बा लेके आए कल तुम्हारे लिए। ये जो पापड़ी होती है ना, पापड़ी जो अपन पानी पूरी के बाद खाते, शेव पूरी में जो यूज होती है। मेरे को बात नहीं करने दे रही इतने दूर से, तो मैं आप लोगों से थोड़ा नजदीक से बात करूंगी। शांति 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 शांति। मैं नजदीक इसलिए नहीं रह रही थी कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, कुछ ज्यादा ही फेस पे मारता है। तो ऐसा ये इसको बोलते हैं। बचपन में सब लोग ने खाए होंगे और किसकी तो अभी भी फेवरेट रहेगी। बड़े बड़े लोग खाते है। मैं तो बहुत दीवानी हूँ, पता है। चकली मिलती थी दुकान पे, 1 रुपए की 4, वो पतली वाली चकली, वो भी मेरी बहुत फेवरेट थी। स्कूल में लेके जाती थी, आठना मिलता था। अम्मी आठना देते थे स्कूल जाने के टाइम पे, जब हम लोग पहली से सातवीं तक के थे ना, पांचवी तक के समथिंग, तो आठना देते थे अम्मी। तो वो चकली लेके जाती थी और ना उसके टुकड़े टुकड़े एकदम बारीक बारीक टुकड़े करके कंपास में लेके जाती थी। चिंगलते 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 पूरी क्लास में चिंगलती रहती थी। किसी को पता भी नहीं चलता था कि मैं कुछ खा रही हूँ, लेकिन पूरा क्लास भी निकल जाती थी क्यों मुंह में कुछ है, मजे आ रहे, टीचर को जो बोलना है बोल ले दो, अपन अपने मुंह में वो एक टुकड़ा डाल दो, मजा आता था मेरे को उसका ना टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे इमली बोर ये पेरू गिरू नहीं खाती थी ना, मेरे को थोड़ा खट्टा ये सब बाहर की चीजों से मना, मेरे को मना थी ये सारी चीजें। सांस की शिकायत होने की वजह से मुझे टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, खांसी वगैरह बहुत होती थी, ठंडा बहुत जल्दी इफेक्ट करता था, खट्टा बहुत जल्दी इफेक्ट करता था। तो मुझे ये घर से ही अलाउ नहीं था कि मैं ये चीजें खाऊं, तो तभी अलाउ नहीं था बल्कि आदत ही नहीं पड़ी इमली बोर वगैरह की, तो अभी भी नहीं खाती मैं। हाँ बोलना। लेकिन वो लाल इमली थोड़ी अच्छी लगती है, कभी कभी वो मिट्टी लगती है ना, तो खाती हूँ कभी कभी, लेकिन 2-3 से ज्यादा वो भी नहीं खा पाऊंगी। लेकिन कुछ लोग थे, मेरी फ्रेंड्स लोग थे, आज भी याद है मुझे एक दो जनों के नाम। एक तो नूरी, सुल्ताना,
ये लोग ना पांच पांच मतलब ये लोग थोड़े होएंगे पैसा जमा करके रखते होंगे, शौक होएगा उन लोग का, दो दो रुपए की पांच पांच रुपए की इमली ऐसे ना इकट्ठे ऐसे भर भर के लेके आते थे और बाबा ऐसा खाते थे ना लोग, खचम खुचम खचम खुचम इमलिया चाप चाप के खाते थे। याद है मेरे को अभी भी छठी में, छठी की बात याद है, इन लोग के कंपास में इतनी सारी इमली होती थी, मेरे को तो सोचते अभी चला खुद को। बस मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़े टाइम के बाद, योजना का खत्म नहीं हो रहा, वो एंजॉय कर रही है करने, तो मैं भी थोड़ा खा ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने चटाई डाल दी है और यहाँ पे मैं उसको खिलौने दे दे रही हूँ, खिलौना खेलेगी वो, और मैं उसके अभी बाल बांध लूंगी। और अभी आप लोग देखना बाल बांधने के टाइम पे कितने नखरे करती है, वो बाल बनाने नहीं देती है सुकून से मुझे। कभी कभी मूड में रहेगी ना तो बाल एकदम फटाक से बनाने दे देती है, और जब मूड में नहीं रहेगी ना तो उसको कई सारी तरकीबें लगा के उसका बाल बनाना पड़ता है। तो बस उसकी जो गुड़िया थी उसको मैंने जोड़ लिया है, और ये वो 11 फेब का ही व्लॉग है जब रियाज आया था, तो बस ये रियाज आने के पहले की शूटिंग है। और यहाँ पे मैं उज़्मा के बाल बना रही हूँ, बाल बनाने नहीं देती हूँ सुकून से, कभी उसका मन किया ना एकदम मूडी है तो तब एकदम अच्छे से बनाने देगी, नहीं तो नहीं बनाने देती है। तो अभी भी उसको गुस्सा आ रहा था कि तुम मेरे बाल क्यों बनाए, तो फिर बाद में मैंने उसको कैसे कैसे करके मना लिया, और फिर वो मुझे बोल रही है गुड़िया के बाल बनाओ, तो बस मैं गुड़िया के बाल बना रही हूँ उसके बोलने पर, तो अब वो खुश हो जाएगी ना, तो फिर वो चोटी नहीं खुलेगी, ये देखो खुश हो गई वो। तो बस मैंने इसका बाल बना के ना, अभी इडली वाला आया है बाहर तो मैंने इडली वाले को रोका, और मैं इडली लेने गई थी और इडली लेके जस्ट मैं ऊपर चढ़ी थी तो रियाज आया था, जैसे कि आपने कल का व्लॉग देख लिया होगा, रियाज आया था तो हमने कितनी मस्ती की है, वो मेरे लिए केक चॉकलेट सब लेके आया था उसका बर्थडे का, तो वो मैंने कल डाल दिया था और ये पेंडिंग था व्लॉग, तो ये मैं आप लोगों तक अभी पहुँचा रही हूँ। तो ऐसा है, अस्सलामु अलैकुम, आज है नेक्स्ट डे और लंच का टाइम हो गया है। उज्मा को जस्ट मैंने पूछा कि बेटा क्या खाएगी आज खाने में, तो बोलती है नई फरमाइश आई है मार्केट के अंदर, नई फरमाइश, उसको खाना है चीला वटाना। अब ये चीला वटाना मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने उसको कभी चीला वटाना नहीं खिलाया, लेकिन उसकी फरमाइश कुछ अलग आई है, अब मुझे नहीं पता उसको क्या खाने का। चीला तो मैंने उसको खिलाया 2-3 बार, चीला मतलब गेहूं के आटे को फेट के उसमें मसाले डाल के उसको बनाने को चीला बोलती है वो, उसको मैंने यही समझाया है कि इसको चीला बोलते हैं बेटे, तो वो खाती है शौक से, लेकिन आज उसने चीला वटाना बोली है जो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर भी मैं वो बनाऊंगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आलू और वटाना जो था घर में वो छील लिया है, और मैं आलू मटर बना ले रही हूँ सादा सा, और चीला बना दूंगी। चीला वटाना मतलब चीले में वटाना लपेट के उसको खिलाऊंगी, चीला वटाना हो गया अभी एट ए टाइम, तो मुझे यही समझ में आया है, चीला भी चाहिए उसको वटाना भी चाहिए, तो अभी मैं बस वही बना रही थी। पैन गर्म हो जाए तब तक के मैं बैटर बना देती हूँ उसके चीले का, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल एंड फास्ट एंड हेल्दी रेसिपी बोलते हैं इसको, मेरी नजर में तो ये सिंपल फास्ट और इजी रेसिपी है। थोड़ा सा आटा ले लूंगी मैं इसके अंदर, एक रोटी का जो एक पेड़ा होता है ना उतना ही आटा लेती हूँ, ज्यादा नहीं, एक रोटी के पेड़े का आटा ले लिया मैंने, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी की बुकी, थोड़े से नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्की सी काली मिरी, नमक कम लग रहा है, ओ सॉरी। तो बस मैं यही बनाती हूँ उसके लिए झटपट वाला, और इसको फेंक दूंगी अभी मैं, हल्का सा जीरा डालती हूँ क्योंकि ज्यादा जीरा डालती हूँ उसके मुंह में आता तो नहीं खाती, इसके लिए थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और अब मैं पानी डाल दूंगी, और इसको पतला ही बनाना है, ज्यादा थिक नहीं करना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। दोपहर के टाइम पे शूटिंग करती हूँ, क्या पता आप लोगों को दिखता है कि नहीं, मेरे को नहीं लगता कि दिखता होगा क्लियरली, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ मैं।
उसको मैंने ना अभी ये दो दिन पहले भी खिलाई थी अंडा चीला, मतलब ऑमलेट फ्राई की थी और ये आटे का ऐसे गोल बना ली थी और इसकी एक पतली सी चीले जैसे ही, मतलब डोसा जैसे अपन बनाते हैं ना वैसे बना लिया था और अच्छा बना था, टेस्टी बना था। रोटी जैसे ही लगता है लेकिन रोटी से ज्यादा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। तो अभी इसको मैं थोड़ा रेस्ट करने दूंगी ताकि इसमें जो ये लम्स है ना घाटे वगैरह ये थोड़ी कम हो जाए, तब तक के मैं यहाँ पे सब्जी को तड़का दे देती हूँ। और कल हम लोग, मैंने ना व्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं किया था क्योंकि कल मैं गई थी रात को डॉक्टर के पास, इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ। रात में दर्द में आई थी मैं, वो कैप मेरा टूट गया था ऊपर का, तो वही खींच के निकाल रहे थे तो उसमें थोड़ा दर्द आ गया था मेरे मुंह में, तो फिर मैंने इसलिए कल व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, इसलिए मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या पता वो खाएगी कि नहीं, ये बोली है मेरे को, क्या बोली, वटाना चीला। मैं बताई ना आप लोगों को वटाना चीले का मतलब मुझे नहीं समझा क्योंकि मैं बनाई ही नहीं कभी, मैंने उसको चीला अंडा खिलाई हूँ, चीला भाजी खिलाई हूँ, ताबड़ तो आटा गूंथ के रोटी बनाने से ज्यादा बेटर मेरे को ये लगता है कभी ऐसा उसके अकेले के लिए मुझे बनाना हो तो, क्योंकि रात का दाल भी बहुत सारा रखा हुआ मेरा, मेरे को अभी कुछ बनाना नहीं था लेकिन ये उसके लिए स्पेशली बना रही हूँ मैं। तो ऐसे सादी भाजी बना रही हूँ इसलिए राई और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, एक ऑनियन, दो हरी मिर्ची, अब थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। और पानी थोड़ा सा ताकि वो जो मटर ऑयल में बनते हैं ना, मटर जो ऑयल में गलते हैं ना, वो थोड़े मुझे सॉफ्ट ज्यादा नहीं लगते, इसलिए आलू और मटर जब भी मैं बनाती हूँ आलू की सब्जी या मटर में थोड़ा सा एक घुट के हिसाब का पानी डालती हूँ ताकि एक मॉइस्चर रहे सब्जी के अंदर। अब मैं इसको ढक दूंगी और इसको पकने छोड़ दूंगी, दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दूंगी और ये अभी स्लो आंच पे पक जाएगा 5-7 मिनट, और दूसरे गैस पे मैं चढ़ा दूंगी उज़मा का चीला पीला, है ना। उज़मा क्या चाहिए तुमको आज खाने के लिए, हाँ क्या खाएगी उज़मा, चीला खाएगी ना, चीला खाएगी मेरी बेटी। इसमें और थोड़ा पानी मैंने ऐड किया क्योंकि आटा गाढ़ा था, कच्चा रह जाएगा इसके लिए। उसमें अंडा ऐड करेंगे ना और अच्छा लगता, लेकिन उज़मा को अंडा मिला के खिलाएंगे तो वो नहीं खाती, इसके लिए फिर मैंने ऐसे ही बना लिया और वो ऐसे खाती है। ऑयल ज्यादा नहीं डालूंगी, ये जो ब्रश लाई थी ना तब से यही बना रही हूँ मैं, क्योंकि इससे ऑयल अच्छे से सेपरेट हो स्प्रेड हो जाता है इसमें ना, जब से ये आया है ना ब्रश, मैंने आप लोगों के साथ ग्रोफर का हॉल शेयर किया था तब से ही मैं बना रही हूँ उज़मा के लिए। एक चीला सॉफ्ट रहने की वजह से पूरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाती है, थोड़ा बहुत बच जाता है, पूरा नहीं खा पाती है लेकिन थोड़ा बहुत बचता ही है।
वो मैं खा लेती हूँ जो बचता है। तो ऐसा इसको स्लो आंच पे पकाऊंगी अपने डब्बे में। ऑयल खत्म हो गया भरने का है, पर उसको धोना है, इसके लिए मैं नहीं कर रही हूँ अभी फिलहाल, उसको भर रही नहीं हूँ। अभी ऊपर से ना पूरा पक गया और ये मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इस पे। और ये ब्रश से ना ये एक चीज बहुत अच्छी है, थोड़ा सा भी तेल डालेंगे ना पूरा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, वरना फिर अपन ज्यादा तेल डालना पड़ता है। तो ऐसे ये देखिए पूरा ऑयल लग गया, अब मैं इसको पलट दूंगी। इसको दोनों तरफ से ना गोल्डन होने तक के पकाने का, अभी ये साइड से इतना गोल्डन हुआ नहीं, मैं वापस पलटूंगी इसको। ये रोटी से ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, इसलिए वो सुकून से खाती है। रोटी खाने में थोड़ा दिक्कत करती है क्योंकि अभी उसको पीछे पीछे के कुछ दांत आ रहे ना बड़े बड़े वाले, तो उसको रोटी चबाने में दिक्कत आती है। तो ये ऐसा मैं बना के दे देती ना, सॉफ्ट है ना, ये पानी है, पानी की मात्रा काफी है इसके अंदर, तो सॉफ्ट लगता है वो। बस ध्यान रहे कच्चा भी रह जाता है कभी कभी अगर अच्छे से नहीं सेकेंगे तो। अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, ट्राई करके बताना आपने कभी ये खाया है या नहीं खाया है, और अगर नहीं खाया तो एक बार ट्राई करना, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, हम बड़े भी खा सकते हैं थोड़ा ज्यादा मसाला डाल के। ये देखिए मटाना चीला चाहिए, हाँ क्या चाहिए, बोलेंगी नहीं मेरे को, लाई तो सही बटाना, ये क्या है ना, बटाना चीला। ओके चलो पहले खाना खाते फिर बाद में बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग का खाना खा के हो गया, खाना खा लिए हम लोग ने, है ना पापा, कैसा लगा खाना, लगा अच्छा लगा, चीला बटाना था ना वो, अच्छा लगा, अच्छा। मुँह तो पोछो तो ऐसा है, हम लोग ने खा लिए चीला बटाना, जो उसको लगा मैंने खिला दी, जो मुझे समझ में आया मैंने बना दी, और वो खा ली, माशाल्लाह खुश हो गई ना पापा। एग्जैक्टली उसको चाहिए था चीला और बटाना, बटाना मतलब उसका फेवरेट है ना वटाना, और चीला भी उसको अच्छा लगा था, तो चीला वटाना बोली थी मैंने, चीला वटाना बना के दे दी। और आप लोगों को कूलर की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे बहुत गर्मी शुरू हो गई है, आप मेरे फेस से देख सकते हो, आप डैम श्योर मैं काली दिखूंगी, डैम श्योर मेरे फेस पे टैनिंग आएगी, क्योंकि छत बहुत करीब है और गर्मी के सीजन में डबल गर्मी हम लोगों को लगती है। तो मुझे अभी कॉमेंट आना शुरू हो जाएंगे कि इतने काले क्यों दिख रहे हैं, जो कि आना शुरू हो गए, दो दिन से कंटिन्यूसली आ गए, तो डियर गर्मी शुरू हो गई और मैं पैदाइशी काली हूँ और काली दिखूंगी, क्योंकि स्किन टैन होती है गर्मी में। तो ऐसा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किन का केयर करना चाहिए, जो कि मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग ये देख रहे होंगे, काफ़ी पूछेंगे भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों पहनी मैंने, तो मेरे दोनों लच्छे टूट गए, मेरा बड़ा वाला शादी वाला लच्छा तो टूट के 4 महीना हो गया, अभी तक के मैंने बनाई नहीं, और जो मैं घर में पहन रही थी रेगुलर वो भी टूट चुका है, मतलब टूटा मतलब पीछे से जो हुक के ना हुक टूट गया,
शुक्र है कि गिरा नहीं इधर उधर, पहले वाले लच्छे की 5 महीने गिर चुकी है लेकिन ये वाले लच्छे का ऐसा कुछ गिरा नहीं। तो बस अभी जो है तो यही था, मेरे को गला खाली नहीं छोड़ने का था तो मैंने ये डाल ली। था मेरे पास ज्वेल गैलेक्सी से, ये मैंने मंगाया था काफ़ी टाइम पहले से रखा हुआ मेरे पास, तो मैंने डाल लिए गले में। जब वो गड़ा लूँगी मतलब वो घटा दूंगी लच्छे को वापस से, तो फिर वो डाल लूँगी गले में, तो ऐसा है। और हाँ, आसिफा बाजी की अम्मी का इंतकाल हो गया, तो सब लोगों ने बोला अपने अपना दुख जाहिर नहीं किया। तो डियर, दुख जाहिर करने जरूरी नहीं है कि सबके सामने ही दुख जाहिर किया जाए, दुख कभी कभी अपने अंदर भी होता है, उनके लिए दुआ करना ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सुना उनका इंतकाल हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना हर बात पे वीडियो बना लो, हर बात पे वीडियो बना लो, लेकिन फिर भी बोल दिया चलो खैर के हाँ दुख होता है, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आला से आला मुकाम अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बख्शाइश कर सकते हैं उनके लिए, पढ़ के उनके फैमिली वाले भी और हम भी कर सकते हैं, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कर सकते हैं, और बाकी तो अल्लाह मालिक है, तो ऐसा है। और अब यहाँ पे मैं उनका नाम नहीं लिखूंगी टाइटल में और थंबनेल में, तो फिर भी कमेंट आएंगे क्योंकि कुछ लोग वही देख के ही वीडियो देखते और ना डालो तो नहीं देखते, तो फिर मसला वहाँ पे भी होता है कि वीडियो बनाने के बाद भी मुझे सुनना पड़ेगा कि आपने दुख जाहिर नहीं किया इसलिए मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा है। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। उसमें बाय बाय बाय, गर्मी बहुत शुरू हो गई है, कूलर की आवाज़ अब आएगी आप लोगों को वीडियो में, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं वो कूलर भी ले पाई थी, आप लोगों की वजह से ही मैंने वो कूलर भी ले पाई थी। आप लोग मुझे पिछले साल बहुत बोलते थे कि एक कूलर ले लो, एक कूलर ले लो, ले ली थी मैंने, लेकिन बहुत एंड में लिया था, मतलब जुलाई के आसपास लिया था जब गर्मी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन पूरा साल काम आया वो कूलर, अभी आगे भी काम आएगा। और उसमें देखो कुछ क्या कर रही है, गुदगुली कर रही सबको, अरे गुदगुली 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 की। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपने दुआ में याद रखना, बाय।